हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप सब जानते हो कि आज हमारी कंट्री कोरोना वायरस को फेस कर रही है, जिस वजह से अप्रॉक्सीमेटली 25 डेज का लॉकडाउन हो चुका है। अभी और भी 15 डेज अप्रॉक्सीमेटली बचे हुए हैं, यानी कि इन टोटालिटी 40 डेज का लॉकडाउन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस कर रखा है। अभी आगे क्या होगा इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। इन 40 डेज में हर फैमिली, हर पर्सन सिर्फ खर्चा करेगा, यानी कि वो खाएगा, पिएगा, रहेगा, जो भी उसकी बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं उसके लिए वो खर्च करेगा, बट इनकम का कोई सोर्स नहीं है। तो आप सोचो कि अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी उसको डिस इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि अपनी जितनी भी सेविंग्स है उसको ख़त्म कर देगा। तो आने वाले टाइम में, क्योंकि बिजनेस बंद पड़े हैं, कई सारे लोग अनएम्प्लॉयड भी होंगे, ऐसा भी खतरा है, तो प्रॉब्लम होगी करेंसी की, लोगों के पास पैसा नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे जिसके बेसिस पे हमारी कंट्री की जो लिक्विडिटी है उसको इम्प्रूव किया जाएगा, जिससे हमारी कंट्री में कुछ ज़्यादा पैसों का फ्लो बढ़ जाएगा, जिससे हम अपनी कंट्री की ग्रोथ पे एक बेनिफिट इफेक्ट डाल पाएंगे। क्या है वो पॉइंट्स, उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट उन्होंने रखा वो था कि सबसे पहला पॉइंट जो है मेंटेनिंग लिक्विडिटी इन द सिस्टम। जैसा कि मैंने बताया कि आज सब कोई सिर्फ पैसे खर्च कर रहा है, अब अगर सिर्फ पैसे खर्च करेंगे, कमाएंगे नहीं, तो बट ऑब्वियस सी चीज़ है, मेरे पास पैसा बचेगा नहीं, पैसा बचेगा नहीं तो हमारी कंट्री में पैसों की शॉर्टेज हो जाएगी। पैसों की शॉर्टेज पब्लिक के पास होगी और इस पैसों की शॉर्टेज होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं हम, उससे बचने के लिए ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। सेकेंड एक प्रॉब्लम जो पॉइंट उन्होंने रेज किया वो था फैसिलिटेटिंग एंड इंसेंटिवाइजिंग बैंक क्रेडिट फ्लोज। बेसिकली जब आप जानते हो कि हमारी कंट्री में पैसों की शॉर्टेज आएगी, अगर उसी टाइम पे बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे देगा या बैंक लोगों के लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट रोल प्ले करेगा तो लिक्विडिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, आपके पास पैसों की जो नीड्स है वो फुलफिल हो पाएंगी। एक थर्ड पॉइंट जो उन्होंने रेज किया, ईजिंग फाइनेंशियल स्ट्रेस। आप जैसे जानते हो कि जो फाइनेंशियल प्रेशर आ रहा है, भैया जो भी दो महीने तीन महीने का लॉकडाउन रहेगा उस टाइम पे हमारी EMIs, ऑल्दो हमको एक परमिशन मिली है कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं, बट फिर भी उसकी पेमेंट तो मुझे करनी ही पड़ेगी ना, तो एक फाइनेंशियल स्ट्रेस होगा ही होगा। और साथ ही साथ इनेबलिंग फॉर्मल वर्किंग ऑफ मार्केट, भैया 40 दिन 45 दिन या 50 दिन जब भी हमारी मार्केट खुलेगी उसको दोबारा से कंटिन्यू करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स जो अपने घर जा चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मटेरियल अब इतनी आसानी से मुझे नहीं मिलेंगे। अगर किसी के पास ऑलरेडी कोई पुराना स्टॉक होगा तो वही मुझे देगा, वो भी अगर सही कंडीशन में होगा तभी मुझे मिल पाएगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करने वाले हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालना है हमें। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या निकाला, गवर्नमेंट ने देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा कि जो भी NPA क्लासिफिकेशन है वो 90 डेज के लिए हम इग्नोर करेंगे, यानी कि हम 90 डेज हम बिल्कुल कंसिडर नहीं करेंगे, हम ये मानेंगे ही नहीं कि 90 डेज में कोई NPA भी होता है। यानी कि जब हम NPA निकालते हैं, NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक क्या करती है, जब आप बैंक को उनकी EMIs पे नहीं करते हो या जो बैंक को आपने लोन ले रखा है उसकी पेमेंट आप नहीं करते हो तो बैंक आपको NPA डिक्लेयर कर देती है। तो RBI ने ये अनाउंसमेंट किया कि 90 डेज की पीरियड को हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे, हम उसको बिल्कुल लाइन से हटा देंगे, जिससे ये NPA वाले में आपको कहीं से भी कोई इफेक्ट ना करे। नेक्स्ट बात, भाई अब हमारी लिक्विडिटी है उसको बढ़ानी है, तो उसके लिए उन्होंने एक और तरीका अडॉप्ट किया, स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी ऑफ ₹50,000 करोड़ टू नेशनल हाउसिंग बैंक्स, SIDBI एंड NABARD। यानी कि वो इन तीन सेक्टर के बैंक को 50,000 करोड़ की रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी देंगे, यानी कि इन लोगों को और पैसों की ज़रूरत होगी तो RBI इन लोगों को देगी, जिससे कि ये लोगों की मदद कर सकें, एग्रीकल्चर सेक्टर में मदद कर सकें, MSE में सेक्टर में मदद कर सकें, MSME का मतलब होता है मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को, और हाउसिंग सेक्टर में बेनिफिट दे सकें। अब हाउसिंग सेक्टर क्यों, हाउसिंग यानी कि रियल सेक्टर में आपको पता होगा कि जब भी घर या कोई भी अपार्टमेंट या कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एम्प्लॉयमेंट होती है, तो ये बहुत अच्छा मोड हो सकता है, हम कई सारे लोगों को एम्प्लॉयड रख सकते हैं। तो ये एक नेक्स्ट फैसिलिटी इन्होंने हमें दी। एक और बात इन्होंने कही, फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कट बाय 25 बेसिक पॉइंट्स टू 3.75% फ्रॉम 4% विद इमीडिएट इफेक्ट। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। होता क्या है कि आप जैसे जानते हो कि बैंक को रेगुलेट करती है RBI, बैंक
क्या करती है, टाइम टू टाइम अगर उसको लगता है तो वो अपने पैसों को आरबीआई को दे देती है। आप इसको एज अ लोन कह लो, आप एज एन इन्वेस्टमेंट कह लो, आप कुछ भी कह लो उसको। तो जब हम बैंक एज अ बैंक अगर हम आरबीआई को कुछ पैसे देते हैं तो बैंक उस आरबीआई उस बिहाफ पे हमें कुछ इंटरेस्ट देती है, उस इंटरेस्ट को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब मेरी बात को समझिएगा, इसका मतलब क्या है और ये किस तरीके से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बैंक के पास लोन लेने जाते हो तो बैंक देखता है कि रिस्क कहाँ पे कम है। भाई अगर आपको लोन देने में उसको रिस्क कम लगता है तो वो आपको देगा, लेकिन उसको लगता है कि आप बड़े रिस्की कैंडिडेट हो तो आपसे बैंक सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो लोन देता है आरबीआई को, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स देता है आरबीआई को, जिससे उसका पैसा भी सेफ रहता है और उसको इंटरेस्ट भी मिल जाता है। अब अगर जहाँ पे बैंकों को 4% का इंटरेस्ट मिलता था वो घट करके 3.75 का हो जाएगा, तो यानी कि बैंकों को हम डीमोटिवेट कर रहे हैं कि अब आप आरबीआई को पैसा ना दे करके पब्लिक को पैसा दीजिए। यानी कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हर बिजनेसमैन के लिए कि वो अगर उसके पास एक अच्छा प्लान है, एक अच्छा स्टार्टअप प्लान अवेलेबल है या ऑलरेडी उसका रनिंग बिजनेस है जिसमें उसको पैसों की ज़रूरत है, तो वो अपने बैंक के पास जाए, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसको दे करके बैंक से एक अच्छी फैसिलिटी अवेल करें। देखिए, जब मैं आपको मोटिवेट करता हूँ कि बैंक से जा करके आप लोन लीजिए, तो मैं कहीं से भी आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बैंक के से पैसे ले करके उसको आप पे ना करिए। देखिए, एक बहुत अच्छा साइकिल है, अगर आप बैंक से पैसे लेते हो और बैंक को टाइमली वापस करते हो तो बैंक आपको सबसे सस्ते दाम पे लोन दे सकता है। मार्केट में अगर आप लेने जाते हो तो 1%, 2%, 3% इसका कोई रेट नहीं है, लेकिन बैंक से अगर आप लेने जाते हो तो 0.8%, 0.9% या बहुत हार्डली 1%, उससे भी कम लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो एक अच्छा मूड हो सकता है, यानी कि बैंक बाहे खुला करके आपसे बोल रही है कि अगर पैसे चाहिए तो आके हमसे ले लो, क्योंकि वो आपको एक बहुत अच्छी फैसिलिटी देने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, फॉर ऑल अकाउंट्स वेयर मॉरेटोरियम और डिफरमेंट हैज़ बीन अप्लाइड देयर वुड बी एन एसेट क्लासिफिकेशन स्टैंड स्टिल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपने लोन को डिफर करते हो, अगर आप अपने लोन को डिफर करते हो यानी कि टाइम से पेमेंट नहीं करते हो, आने वाली जो 3 EMIs हैं मार्च, अप्रैल और मई की, उस केस में आपके सिबिल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। यानी कि जो एसेट की क्लासिफिकेशन है, कि जैसे मैंने अपने पहले पॉइंट पे बताया था नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये जो नॉन परफॉर्मिंग वाला जो स्टैम्प है आपके ऊपर लगने वाला था वो नहीं लगेगा, उसको हम 3 महीने के लिए इग्नोर कर देंगे। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इन्वेस्टर्स के लिए, वो बहुत ध्यान से सुन लें, बैंक शेल नॉट डिक्लेयर डिविडेंड अनटिल फर्दर नोटिस। यानी कि बैंक को आरबीआई ने बोल दिया है कि अब आपको डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करना है। आपको पता है कि मार्च में हमारा क्लोजिंग ईयर होता था, लेकिन उसको बढ़ा करके जून कर दिया गया है, बट फिर भी बैंक को ये बोला गया है कि आप डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करोगे। तब तक डिक्लेयर नहीं करोगे जब तक आरबीआई आपको बोले ना, जब तक आपको फर्दर नोटिस ना दे। होपफुली मेरी ये वीडियो आपके काम की होगी, इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू फॉर दिस। Thank you for next time.